अयोध्या के श्री राम मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना को लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से लाइव प्रसारण में देखा। प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना के बाद सरायपाली नगर में भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। प्रभु श्री राम के मंदिर के अलावा सभी देव स्थलों में लोगों की अपार भीड़ देखते ही बन रही थी। दोपहर के समय सरायपाली नगर की विभिन्न स्थानों में प्रसादी वितरण के अलावा भंडारी का आयोजन हुआ। वहीं शाम के समय 20,000 से भी अधिक सर्व हिंदू समाज के लोगों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में राम लक्ष्मण सीता की वेशभूषा में लोग नजर आए। नगर के समाज सेवियों ने कहा कि प्रभु श्री राम की आज मूर्ति स्थापना का अवसर, हमने एक छोटा सा राम काज किया है। सरायपाली से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। सरायपाली पूरा राममय हो चुका है, इसके बारे में बताएं। आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज पूरा सरायपाली शहर अयोध्या नगर बन गया है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, सभी आज राममय है। सभी अपना प्रतिष्ठान बन गए हैं। हर मंदिर का पूजा पाठ हो रहा है, हर घर में दिया जल रहा है, हर घर में रंगोली बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा सरायपाली आज अयोध्या हो गया। मेरा नाम गौरव सलूजा है और हम लोगों ने आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर राम काज करने की कोशिश की है। और जो जुलूस, जो शोभा यात्रा आज निकली है, उसमें हम लोगों ने भजिया की सेवा करके राम काज किया है। आज जो सरायपाली पर राममय हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह तय था होना, और ये होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है हमारी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज जो सरायपाली वास्तव में राम जन्मभूमि जो 500 साल से रुका हुआ था, ये पूरा पब्लिक आ गई है और राममय हो गया है। आज 15,000 से ऊपर की भीड़ यहाँ सरायपाली में दिखाई दे रहे हैं। बाजा गाजे के साथ सब घूमते नाचते जा रहे हैं।